अभी हम जा रहे हैं पैराडाइज आइलैंड। जी हाँ, पांडिचेरी का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेस। उसके लिए हमको सबसे पहले आना है यहाँ पर चुनम्बर बोट हाउस पर, और यहाँ पर अंदर एंटर करने के लिए चार्जेस वगैरह देना है। और पार्किंग एरिया ये रहा सामने। ले कैफे से 6.5 किलोमीटर के अंतर पर है, तो आपके पास टू व्हीलर है तो आप फटाफट आ सकते हो यहाँ पर। और चुनम्बर बोट हाउस के एंट्री चार्जेस है, यहाँ पर एंट्री चार्जेस का ये चार्ट देख लो। 9:30 को ये काउंटर स्टार्ट होगा और लास्ट 4:30 बजे तक ओपन रहता है ये एंट्रेंस टिकट काउंटर। अंदर एंटर करते ही हमको सबसे पहले फेरी का टिकट लेना है। जी हाँ, पैराडाइज आइलैंड जाने के लिए फेरी बोर्ड करना पड़ता है, तो फटफट जाते हैं फेरी का टिकट लेके बोर्ड करते हैं फेरी। ऑलराइट, तो अभी हम है पैराडाइज आइलैंड के लिए ये फेरी में। फेरी का चार्ज 350 रुपीज़ है, और पास में है यहाँ पर बोट हाउस। हमारा फेरी कुछ इस तरीके से दिखता है, और वो रहा सामने हमारा पैराडाइज आइलैंड। ऑलराइट, तो हमारी फेरी स्टार्ट हुई। मेरे साथ सोलो ट्रैवलर और एक है जो कि चंडीगढ़ से है, तो एंजॉय करने वाले पूरी जर्नी पैराडाइज आइलैंड के लिए। मिनट्स का बोट राइड करके हम पहुंच गए यहां पर पैराडाइज आइलैंड पर। सो हम पहुंच गए पैराडाइज आइलैंड पर, और अभी हम जा रहे हैं पैराडाइज बीच पर। सो ये वेलकम नोट है, वेलकम टू पैराडाइज बीच। यहां पर काफी सारे शेड्स हैं, यहां पर बैठ के आप एकदम चिल मार सकते हो। यहां पर वॉलीबॉल का सेटअप भी है, सेटअप इन द सेंस के नेट वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पर कूल सा भैया वॉचिंग एरिया भी है। यहाँ पर कूल एटीबी राइड्स भी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो पैराडाइज बीच पे यहाँ का एम्बियंस एकदम प्यारा सा है, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, और जगह जगह पर यहाँ पर ऐसे शेड्स रखे हैं। तो सर ने यहाँ पर अभी आउल यहाँ पे पकड़ा है, यहाँ पर आया हुआ है। वेलकम टू पैराडाइज बीच। ऑलराइट, तो यहाँ पैराडाइज बीच में हम व्यूइंग डेक पर है। यहाँ पर लाइफ गार्ड यहाँ पर बैठ कर यहाँ पर वॉच रख सकते हैं पूरे बीच पर। काफ़ी प्यारा सा एम्बियंस है यहाँ का, और एकदम कूल ब्रीज चल रही है आसपास, तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड होगा। पौंडी में आके मुझे बीचेस से प्यार हो गया है भाई, क्या खूबसूरत बीचेस है। शायद ही मैंने कहीं ऐसे बीचेस देखे रहेंगे पूरे इंडिया में। क्या सुकून है यहाँ पर पैराडाइज बीच पर, एकदम जबरदस्त लहरें आ रही है भाई। ओह हो, बहुत ही खूबसूरत लहरें, और दूर दूर देखो भाई पूरा एम्प्टी बीच। इन खूबसूरत लहरों को देखकर भाई मैं यहाँ पर घंटों बिता सकता हूँ। क्या खूबसूरत लग रही है सारी लहरें। तो इस जगह आते होते एक जोड़ी कपड़ा ज़रूर लेके आना अपने साथ यहाँ पर पानी में खेलने के लिए। और यहाँ पर जगह जगह पर फ्लैग्स लगे हुए हैं, यहाँ पर देखो ग्रीन फ्लैग है, मतलब यहाँ पर स्विम अच्छे से कर सकते हो। सामने वहाँ पर रेड फ्लैग लगा है, तो वहाँ पर आप अंदर स्विम करने नहीं जा सकते हो। और स्विम इन द सेंस ये पानी के लहरों के साथ खेलने के लिए, अंदर स्विमिंग तो कोई भी बीचेस पर अलाउड नहीं है। मोस्टली सारे बीचेस पर सिर्फ यहाँ पर आओ पानी में खेलो और चले जाओ, बैठने वगैरह की जगह नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर शेड्स वगैरह दिया है, और शायद यहाँ पर कैफ़े भी है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम पीते हैं नारियल पानी। हाँ ना, नारियल फ्रेश, नारियल ना ऑल फ्रेश है सर, फ्रेश। ओके, मीठा है यहाँ का पानी, इट्स स्वीट स्वीट, वेरी नाइस। तो यहाँ पर बुल राइड भी कर सकते हो आप, तो यहाँ पर कैमल राइड भी है, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर चढ़ने का प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है, दो कैमल्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चेंजिंग एरिया भी है, शावर रूम भी है, और क्लीन वाटर भी है पीने के लिए। नॉमिनल चार्जेस है कोई कोई चीज़ के लिए, तो यहाँ पर आके बिंदास आप पानी में जा सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर शावर वगैरह लेकर क्लोथ्स वगैरह चेंज भी कर सकते हो। पैराडाइज बीच पूरा घूम लिया है, कपूर जी ने काफ़ी हेल्प किया है, ये भी एक सोलो ट्रैवलर है, और ये मुझे एक लंच का अच्छा सा स्पॉट बता रहे, तो अभी वहाँ पर जाके लंच करेंगे। ऑलराइट, तो पैराडाइज बीच से हम रिटर्न जा रहे हैं वापस। इस टाइम का फेरी थोड़ा शॉर्ट है, स्मॉल है, क्योंकि कम लोग है जाने वाला रिटर्न। तो 10-12 मिनट में हम फिर से पहुंच जाएंगे चुनम्बर बोट हाउस पे, और वहां से फटक से जाएंगे एक लंच करने के लिए।
बीच से रिटर्न आते वक्त बैक वाटर में भाई काफ़ी खूबसूरत सा राइड सर बुक करवा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए व्यू कोकोनट ट्रीज का, तो काफ़ी प्यारा सा व्यू है मेरे पीछे देखो। और राइट, तो कपूर जी के रेफरेंस पे हम यहाँ पर आए हैं सुरगुरु होटल में। और यहाँ पर एकदम प्यारा सा स्प्रेड है, उत्तपम लिया है हमने, एकदम गर्मा गर्म आया है। और क्या स्मेल आ रहा है फूड में से, स्मेल इन द सेंस कि खुशबू आ रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, देख के ही पूरा फूड टेम्पटिंग लग रहा है। तो आइए चलिए वो ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू देता हूँ कैसा है। एम्बियंस देखो कुछ इस तरीके से दिखता है, एम्बियंस सिंपल है पर बैठने के लिए काफ़ी सारी जगह है। और एक सबसे बेस्ट पार्ट है कि एसी है यहाँ पर। तो उत्तपम में हमारे पास तीन अलग अलग है, ये दो और ये तीन, इसको कुछ ट्राई कलर उत्तपम ऐसा कुछ डिश का नाम है। ऑलराइट, तो यहाँ पर लंच करके मज़ा ही आ गया साउथ इंडियन स्टाइल में। तो ये रही हमारी तीन दिन की पौंडी की आइटिनरी। अगर आप हमें फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो तो ये सारे ब्लॉग्स देखिए, सारे ब्लॉग्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ डे बाय डे। और तो चलो चलते हैं अभी पौंडी से मुंबई के लिए, यहाँ पर ब्लॉग एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो खास आपको क्या करना है पता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, थैंक यू कपूर मैडम ये अच्छा सा रिकमेंड करने के लिए। तो आगे कोई जगह पर मिलेंगे हम फॉर श्योर। तो चलिए मिलते हैं एक नए धमाकेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, जय हिंद। नो नो सीट, नो सीट, ओनली स्टैंड। आई स्पीक आई कम इन द सन, ओके यू स्टैंड ओके। ये आ रहा है पूरा, ओके जैसे बोलूं क्या, ये झाड़ी बीच में आ रहा है। तो फिर से 10 मिनट में हम पहुंचेंगे वापस चुनामगढ़ बस नहीं ना बोट, 10-12 मिनट में हम फिर से पहुंचेंगे चुनामगढ़ बोट, ओके। और वीडियो पसंद आया है तो खास आपको क्या करना है पता है ना।